लगातार बीजेपी के बड़े चेहरे जो है झारखंड दौरे में आ रहे हैं, ऐसे में दूसरे फेज के लिए जो है बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह डुमरी में हुंकार भर रहे, सीधे आपको डुमरी लिए चलते हैं। आपका आरक्षण छीनकर एक कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मुझे बताओ भाई, ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, एससी एसटी और ओबीसी का काट कर देंगे, आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो? अरे चिंता मत करो, राहुल बाबा की चौथी पीढ़ी भी आए, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हम समाप्त नहीं होने देंगे, नहीं होने। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये राहुल बाबा की पार्टी कहती है कश्मीर में धारा 370 हम फिर से लाएंगे। भाइयों बहनों, मैं राहुल बाबा से कहने आया हूं कि राहुल बाबा, आप तो बहुत छोटे व्यक्ति हो, आपकी दीदी दादी स्वर्ग से भी आ जाए ना, 370 वापिस नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये कश्मीर जो है वो भारत का है और भारत का रहेगा। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त कराया, मोदी जी ने झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त कराया और मोदी जी ने इस देश को समृद्ध करने का काम किया है। ये मनमोहन सिंह जी इस देश को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। दुनिया भर के देशों में हमारा अर्थतंत्र 11वें नंबर पर था, मोदी जी 10 साल में 5वें नंबर पर ले आए, देश को समृद्ध बनाने का काम किया। क्या ताली बजाते हो डुमरी वालों, 5वें नंबर से संतुष्ट हो क्या? मैं बताकर जाता हूं, 2027 में हमारा अर्थतंत्र दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनेगा। भाइयों बहनों, मैं पार्टी का अध्यक्ष रहा, देश का गृह मंत्री हूं, देश भर में घूमता हूं, जहां जहां जाता हूं मेरे झारखंड के युवा रोजगारी के लिए वहां पहुंचे हुए होते, झारखंड के युवा के पसीने से देश समृद्ध हो रहा है, मगर वो अपनी युवा पत्नी और बूढ़े मां बाप को छोड़कर जा रहा है। भाइयों बहनों, आप खेले के निशान पर वोट देकर यशोदा देवी जी को जिता दो, 5 साल में इतने काल कारखाने लगाएंगे कि झारखंड के युवा को झारखंड के बाहर नहीं जाना। झारखंड हमारा देश में सबसे समृद्ध राज्य है, झारखंड की भूमि के नीचे इतनी खनिज संपदा कोयला पड़ा है कि पूरे देश को बिजली अकेला झारखंड पूरी कर सकता है, परंतु झारखंडी जो है ना वो गरीब। अब झारखंड समृद्ध है और झारखंडी गरीब है तो गलती किसका है, मैं बताऊं, यहां की सरकार का। मैं आपको समझाने आया हूं भाइयों बहनों, एक बड़ी बड़ी ऊंची इलेक्ट्रिक की लाइनें देखते ना, एचपी लाइन होता है, देखा है ना सबने, देखा है या नहीं देखा है? ये 80 लाइन में से सीधा आपके घर में बिजली आएगा क्या, आ सकता है? इसके लिए ट्रांसफॉर्मर चाहिए, डीपी चाहिए, डीपी। मोदी जी जो पैसा भेज रहे हैं, जो योजनाएं भेज रहे हैं, वो सीधी आपके पास नहीं जा सकती, इसका डीपी है झारखंड सरकार, हेमंत सरकार, और ये डीपी जो है ना वो जल गया है, ट्रांसफॉर्मर जल गया है। अब जल जाए तो क्या करते हैं भाई, बताओ जरा, जोर से बोलो क्या करते हैं?
अरे बदलना नहीं है, नहीं बदलना है, उखाड़ कर फेंक दो हेमंत सोरेन की सरकार को और एनडीए की सरकार लाओ। मोदी जी पर भरोसा करो, एनडीए की सरकार झारखंड का सर्वांगीण विकास करेगी। अभी हमारे नेता आजसू अध्यक्ष बता रहे थे कि दीदियों को हेमंत जी भ्रमित कर रहे हैं। अरे भाई उनको भ्रमित करने दो, दीदी लोग आप चिंता मत करो, केले पर बटन दबा दो, हर महीना 2100 रुपया आपके चेक से आएगा और सास ससुर का भी आएगा, दोनों आएगा, और गैस का सिलेंडर 500 में मिलेगा। अरे युवाओं बताओ, हेमंत सोरेन बेकारी भट्टा देने वाले थे, मिला है क्या? जोर से बोलो, मिला है क्या? हर युवा को जिसके पास नौकरी नहीं है इसको 2000 रुपया हम हर महीना देने का काम करेंगे। 285,000 सरकारी नौकरियां, एक भी पेपर लीक के बगैर मिलेगी। नौकरी के लिए ना घूस देनी पड़ेगी, ना चिट्ठी लिखानी पड़ेगी, ना खर्ची लगेगी, ना पर्ची लगेगी। डाकिया नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर सीधा आपके घर तक पहुंचाएगा, सीधा आपके घर तक। भाइयों बहनों, ये माताओं का जो स्टैंप ड्यूटी का पैसा लगाया है 50 लाख तक, जिसको जितनी स्टैंप ड्यूटी लगती है सिर्फ 1 रुपया भरना पड़ेगा। और इसके साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि 25,000 किलोमीटर का हम गांव का रोड बनाएंगे, किसानों का धान 3100 रुपया से सारा का सारा 3100 रुपया क्विंटल किसानों का धान खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी और आजसू की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये जेएम, ये कांग्रेस, ये आरजेडी राम मंदिर को रोक कर रखे थे। मोदी जी ने राम मंदिर का काम पूरा कर दिया और आज 550 साल के बाद रामलला दीपावली अपने भव्य मंदिर में बनाए हैं। भैया भव्य मंदिर, ये हेमंत सोरेन की सरकार घुसपैठ करा रही, आप लोग घुसपैठियों को आने देने के पक्ष में है क्या? जोर से बोलो, पक्ष में है क्या? युवा, ये घुसपैठिए आपका नौकरी खा रहे हैं, हमारी माताओं बहनों को, बच्चियों को दूसरी तीसरी और चौथी बीवी बनाकर उनका संपत्ति हड़प रहे हैं। मैं बताकर जाता हूं, हम सरकार बनाने के बाद इंसान छोड़ो, परिंदा भी इस और पैर नहीं मार पाएगा। परिंदा जिस कानून के तहत आदिवासी बच्चियों की भूमि किसी भी नॉन आदिवासी के नाम पर ट्रांसफर नहीं होगी। और घुसपैठियों, खैर मत मनाना, आ गए हो तो बच गए ऐसा नहीं है, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर वापिस भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, झारखंड के जीवन से ये 5 साल बेकार हुए। हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार करने के अलावे कुछ नहीं किया। मोदी जी पर विश्वास करिए,
पर विश्वास करिए, आजसू पर विश्वास करिए, हमारी बहन यशोदा दीदी पर विश्वास करिए, हम झारखंड और झारखंडी दोनों को समृद्ध बनाने का काम करेंगे। मुझे बताओ डुमरी वालों, केले के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से बोलो, दबाएंगे। भाजपा आजसू की सरकार बनाएंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे, घुसपैठ रोकेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से बोलिए।